ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। क्या ये सही बात है? आपका ज़्यादा इंटरेस्ट सिर्फ जेंडर प्रिडिक्शन जैसी वीडियोस पे है। मुझे बनाते हुए ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि आप अदर जो मेरी वीडियोस हैं जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं उस पर आपका ध्यान बहुत ही कम है, जो कि एक शायद दुखद सी भी बात है, क्योंकि आपको आपके लिए जेंडर प्रिडिक्शन इतना ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन जेंडर प्रिडिक्शन से हट के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी बातें हैं, जो कि मैं अपनी आवाज़ YouTube के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि एज़ अ पेरेंट, एज अ मदर मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं लाइफ में, और मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर से रिलेटेड। तो मैंने जो गलती की या मेरे साथ जो भी बुरा हुआ वो अगले पेरेंट्स के साथ नहीं हो, इसलिए मैं आपसे कुछ अपनी यूट्यूब पे बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो आप अदर वीडियोज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बताइए अवेयरनेस कैसे फैलेगी। इसलिए आप अगर प्लीज़ उन सारे वीडियोस को भी इक्वली अगर सपोर्ट करिएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर एक वीडियो में आपको यही बात बोलती हूँ कि जो कमेंट आप ज़रूर करिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या क्वेरीज़ है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, इवन मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे भी एक पोल क्रिएट किया, उसमें से 95-97% लोगों ने वोट किया कि आप जेंडर प्रिडिक्शन जैसी वीडियोस बनाइए। ठीक है, मैं आपकी डिमांड फुलफ़िल कर रही हूँ, लेकिन अदर भी जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लाइफ में, आप उसको प्लीज़ स्किप मत करिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, पर्सनल केयर, मैं सब कुछ उसके ऊपर आपको अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। मेरे यूट्यूब पर आने का यही मकसद ही था, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन हाँ, आपकी डिमांड पे मैं आज ये जेंडर प्रिडिक्शन की आज फिर से वीडियो बना रही हूँ। और देखिए, जेंडर प्रिडिक्शन का जो कीड़ा है ना, वो हमारे जनरेशन से ही नहीं आया, बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, इन द सेंस कि ये 1000, 2000, 3000 बहुत सारे साल पहले से ये चलता आ रहा है। इसलिए प्लीज़ आपकी जो ये सारी सोच है वो गलत नहीं है कहीं ना कहीं, और इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। कई हज़ार साल पहले एक सिविलाइजेशन होता था, मयान सिविलाइजेशन, जिन्हें हम मयान्स बोलते हैं। उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी कि वो अपने हिसाब से कुछ ऐसी टेक्निक्स से देखते थे कि जेंडर प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, उनकी अपने कुछ क्राइटेरिया थी। तो उन पता नहीं कितना सच होता था, मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितना सच होता था कितना नहीं, लेकिन हाँ उसको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और अपने पेपर और पेन से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि वो लोग कैसे जेंडर प्रेडिक्ट करते थे। और मे बी ये 100% तो श्योर है कि ये इसका किसी तरह का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट से देखना चाहते हैं कि वो लोग कैसे करते थे, तो वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मयान जेंडर प्रिडिक्शन समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमें दो डेटा की ज़रूरत है। पहला है एज ऑफ द मदर, जो कि कंसेप्शन के टाइम पर जो मदर का एज था वो क्या था, और कौन से मंथ में उन्होंने कंसीव किया। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर महिला की एज 24 है, जो कि एक इवन नंबर है, और अगर अप्रैल मंथ में, यानी अप्रैल को अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो वो भी एक इवन नंबर है। तो अगर दोनों इवन और इवन होता है तो उस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो एक गर्ल होगी। अगर यही चीज़ ऑड और ऑड होता तब भी गर्ल ही होती। और दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो कि बॉय का है। जैसे कि मान लीजिए कि महिला का एज 27 है, जो कि एक ऑड नंबर है, और उन्होंने कंसीव किया है फेब्रुअरी, यानी कि सेकंड मंथ में, जो कि एक इवन नंबर है। तो जब ये ऑड और इवन, जब ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो बॉय रिज़ल्ट आएगा। सिमिलरली अगर ऑड और ऑड है तो भी गर्ल, और इवन ऑड है तो भी इवन ऑड में बॉय, और ऑड और इवन बॉय। तो ज़्यादा कंफ्यूज़ ना हो कि आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखिए कि जो भी हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पॉजिटिव और निगेटिव की मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ वही चीज़ है। अगर सेम नंबर आप जब इंटू करते थे तो जो रिज़ल्ट आता था उसी तरह का सेम यही बात है कि अगर निगेटिव और निगेटिव को आप अगर इंटू करो तो पॉजिटिव आएगा। तो उसी तरह से अगर ऑड और ऑड को अगर आप कैलकुलेट करिए तो गर्ल आएगा, और अगर डिफरेंट साइंस है, यानी कि इवन ऑड या ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, तो ये बॉय आता है रिज़ल्ट में। लेकिन देखिए, इस 100% ये सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एंशियंट लोग को तरीका होता था उनका कि किस तरह से करते थे, बस वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। और जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि मेरा चैनल डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, दोनों जेंडर इक्वल हैं।
बस आपकी डिमांड पे और थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बना दी थी और कुछ भी 100% श्योर नहीं है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इवन इवन रहेगा तो गर्ल, ऑड ऑड रहेगा तो गर्ल, और अगर डिफरेंट है, इवन ऑड है या ऑड इवन है तो बॉय। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब मैं इसलिए आप लोग से कराना चाहती हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे शायद मैं उतनी बात बहुत दूर तक फैला पाऊँगी। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें जेन्युइनली किसी कंटेंट की ज़रूरत है और शायद मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस उनके काम आ जाए। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रिंस माई वर्ल्ड।